हेमिका कह रही है सितंबर में बहुत सारे स्टॉक स्टॉक्स गए हैं, हाउ डू यू गाइज एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। सितंबर का ये सीन स्टॉक्स गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि सितंबर में क्या हुआ था, जो एक लॉकडाउन जो जो मेजर लॉकडाउन हुआ पड़ा था जिसमें इंडस्ट्रीज बहुत सारी डाउन थी, वो एकदम से खुल गया था। एकदम से भी नहीं, मतलब धीरे धीरे खुलने लगा था। सितंबर में ऐसा कुछ हो गया था, ऐसा हो चुका था कि सारी इंडस्ट्रीज ओपन थी। अब मतलब कुछ कुछ भी लॉकडाउन नहीं था और सब चल रहा था, तो इस वजह से एकदम से सारे स्टॉक्स अप हुए थे क्योंकि सब इंडस्ट्रीज़ का जो भी कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन वगैरह ऊपर हो गई थी इस वजह से। तो ये भी उस एक लोगों के अंदर का इमोशन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर हम बोलें कि लोगों को लग रहा है कि अब इंडस्ट्री ओपन हो चुकी है तो अब हम खरीद लेते हैं, तो उस लगता खरीदने तो की नहीं वजह से है। क्या होता है, जितने लोग ज़्यादा शेयर खरीदेंगे उतनी उसकी जो सप्लाई, जो शेयर का डिमांड होगी वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, इन सिंपल बिकॉज टर्म्स। ह्यूमन वॉट्स एंड अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जो इससे पूछा कि इतनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हो, तो फंडामेंटल का बेसिक ये रहता है कि तुम देखो कि कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर उसका एक इन्वेस्टमेंट है, एक रिवेन्यू होता है और एक प्रॉफिट होता है, कि एक वो रिवेन्यू कमा रही है, जैसे मान लो एक रिवेन्यू कमा रही है 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ के रिवेन्यू में से पैसा जा कहाँ रहा है, कि वो कहीं डेब्ट पे करने में जा रहा है या प्रोडक्शन वैल्यू में जा रहा है, और एक होता है कि उसमें से प्रॉफिट कितना निकल रहा है बाकी सब पे करने के बाद। तो वो जो प्रॉफिट निकल रहा है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगी वो कंपनी। और टेक्निकल एनालिसिस आते हैं हम एक कैंडल चार्ट के ऊपर, जो हम एक एक चार्ट ही होता है कैंडल्स का, जिसको हम देख के बता सकते कैंडलस्टिक, हैं, कैंडल स्टिक्स का, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि जापानीज अब स्टॉक ऊपर कैंडलस्टिक्स। जा रहा है या स्टॉक नीचे जा रहा है। तो एक इसके बाद आया था कि हमें किस कंपनी में, फिर जैसे मैंने बताया कि टॉप 50 कंपनीज हैं तो उनमें ही, लेकिन तुम 50 की 50 में तो नहीं कर सकते, तुम जैसे मैंने बोला निफ्टी 50, तो 50 के 50 में तो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर से कैसे करें। तो तुम आसपास देखो अपने कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। जैसे अभी जब कोविड आया था, कोविड में क्या ट्रेंड था, जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनीज थी, नहीं जितनी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की कंपनी की फार्मास्यूटिकल, थी वो, हाँ फार्मास्यूटिकल। फार्मा, जित मैं बोलूँगा ना, पहले पहले वाला पार्ट तो बोलने दे, जितनी भी कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स वाली जितनी भी कंपनीज थी, जैसे ले लो JSW स्टील ले लो, कंपनीज के नाम है सारे, JSW स्टील्स ले लो या जिंदल स्टील ले लो, इन सब के स्टॉक प्राइस डाउन हुए थे। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन ओवरऑल इंडिया बंद हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था पूरे इंडिया में, या बात करें कहीं की भी, तो कंस्ट्रक्शन बंद हुई तो उनके प्रोडक्शन कम बंद हुई, प्रोडक्शन बंद हुई तो स्टॉक वैल्यू डाउन। लेकिन फार्मा कंपनीज जो थी, क्योंकि उस टाइम पे मेडिसिंस बहुत ज़्यादा बिक रही थी, केमिकल्स बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, तो उस वजह से सन फार्मास्यूटिकल्स और लक्ष्मी के ऑर्गेनिक्स ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा हाई गई, अपोलो हॉस्पिटल्स, इनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई गए। तो तुम ये ट्रेंड जो ये देख रहे हो अपने आसपास सन का। पाल शार्क टैंक में ये फार्मास्यूटिकल्स जो एमक्योर वाली है, इसमें कंपनी का क्या हाल है? उसके आईपीओ निकले कहाँ हैं अभी, वो तो कंपनी नहीं बनी अभी, शार्क टैंक वाली कोई भी कंपनी पब्लिक थोड़ी है पब्लिक अभी। थोड़ी है अभी उनके। जब तक आईपीओ नहीं आती ना, जो मैंने आईपीओ बोला था, जब तक एक आईपीओ नहीं आती किसी कंपनी की, वो उस स्टॉक मार्केट में नहीं है। जैसे जियो की अभी तक आईपीओ नहीं आई, लेकिन जियो कितनी बड़ी कंपनी है लेकिन उसकी आईपीओ नहीं है अभी तक, तो क्योंकि वो वो पब्लिक स्टॉक कंपनी मार्केट नहीं पे है, नहीं है। क्योंकि वो हाँ मतलब पब्लिक उन्हें के जाना पास, ही नहीं पब्लिक है, स्टेक होल्डर्स नहीं है उस हाँ कंपनी के। वो तो हाँ मुझे पता है। क्योंकि तो वो उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर आपको डायरेक्टर्स लाने पड़ते हैं जो पब्लिक शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि पब्लिक का शेयर है इसमें, तो वो कैसे ट्राइहार्ड बढ़ चलेगी जाएगा, कंपनी। मेहनत बढ़ जब भी तू जाएगी। आईपीओ करेगा तो उसमें तुझे लिखना पड़ता है कि इस कंपनी के मेन इन्वेस्टर्स कौन है, इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, और वो अगर वो अच्छे लोग होंगे तो ही लोग फिर फंडामेंटल एनालिसिस उसमें देखते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जो मैं ट्रेंड की बात कर रहा था, जैसे कोविड आया तो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज के स्टॉक के प्राइस बढ़े, और जैसे ही लॉकडाउन हटा, अभी किसने बोला था, हिमिका है ना, हाँ हिमिका ने बोला था सितंबर में बूम हुए थे, लॉकडाउन हटा था क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बूम हुए थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के स्टॉक बूम हुए थे, मोटर्स के स्टॉक बूम हुए थे, पावर के स्टॉक बूम हुए थे, और उसके ये एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, वोडाफोन का तो छोड़ो, टेलीकॉम एयरटेल ऑपरेटर्स मेनली उनके, हाँ टेलीकॉम कंपनीज के स्टॉक बूम हुए थे। तो
तो तब, और उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने आईपीओ भी निकाले थे क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। तो जो भी वो आईपीओ निकालते थे उनका एक आईपीओ मैं इसका फिर आईपीओ का कंसेप्ट आया था। आईपीओ मैंने बता दिया कि निकालती है कंपनी, उनको पब्लिक ऑफरिंग देनी है और उनको इन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स देने हैं और उनको पैसे चाहिए जो भी वो शेयर्स का पे करेंगे। लेकिन लोग भी क्यों लगाएंगे पैसे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस वो देखते हैं कंपनी इतनी अच्छी है, जैसे जो ने बोला डायरेक्टर्स सही होते हैं, डायरेक्टर्स एक नोन फेस होते हैं, इंडिया के बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, तो वो कहते हैं हाँ ये इसको बैक कर रहा है तो इसका ये डायरेक्टर है, इसका ये इन्वेस्टर है, तो मैं लगाऊंगा। तो जब इतने उसके फंडामेंटल एनालिसिस इतने स्ट्रांग होते हैं, तो जब आईपीओ एक टाइम आता है उसका बिकने का, ऑफरिंग का एक टाइम आता है जब लोग खरीदते हैं, फिर एक टाइम आता है जब वो लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कि एक टाइम खरीद तो लिए तुमने लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर भी तो आएगा ना वो एक बार। तो जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तब उसका प्राइस एकदम से बूम होता है। वो बूम इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक की, कि आईपीओ में जिसने ले ली उनको तो मिल गई, लेकिन जो बाकी सारे जो रह गए, क्योंकि आईपीओ का एक एक छोटा अमाउंट ही होता है जो पब्लिक ऑफरिंग के लिए होता है। जैसे मान लो 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स बेचने हैं कंपनी ने, तो 1,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर जितने लोगों ने खरीद लिए खरीद लिए, उसके बाद अगर किसी को खरीदने हैं वो तो स्टॉक मार्केट के अंदर आके ही खरीद सकता है ना। तो वो फिर डिमांड पे बात आ जाती है और वो कंपनी कितनी अच्छी है तो उस हिसाब से। लेकिन हर कंपनी का भी अच्छा नहीं होता। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि एक आईपीओ के बाद जो कंपनी बहुत ज़्यादा बूम हुई थी वो एक अभी फार्मा कंपनी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, सुप्रिया लाइफ साइंस, हाँ सुप्रिया, और उनको एक वो पूरा भी बहुत लिया अच्छा गया था। था, पारस, पारस की हाँ भी बहुत पारस गई थी बहुत जब अच्छा गया था, और एक और हम था लेकर जो गए थे उससे हम। भी अच्छा गया था, जो 100% के पास गया था, 145% गया था, लेटेंट व्यू, ये वो नहीं थी, ये वो नहीं थी फार्मा कंपनी नहीं थी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंपनी है जो एप्लीकेशंस बनाती है वेदर फॉरकास्टिंग पे, बेसिकली डेटा साइंस के आसपास काम करती है। तो उस टाइम पे आजकल एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वैसे इतनी बूम है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका आगे, तो लोगों ने सोचा इस कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। तो आईपीओ पे, जैसे मान लो आईपीओ पे उन्होंने शेयर 1,000 करोड़ के निकाले, एक शेयर उन्होंने निकाला 100 रुपये का, 100 रुपये का एक शेयर निकाला, और एक बंदे को उसके 150 नहीं 15 शेयर्स लेने हैं, ठीक है। 10 करोड़ शेयर का तो ट्रेडिंग आईपीओ का एक मिनिमम लॉट प्राइस होता है जो बेसिकली अराउंड 14,000 to 15,000 होता है, तो तुम्हें वो मिनिमम प्राइस पे करना ही पड़ेगा, तुम्हें 15,000 के शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। उसके अंदर जितने भी वो शेयर प्राइस के हिसाब से जितने शेयर आते हैं तुम्हारे पास आते हैं। तो वो गैप के हिसाब से होता है। जैसे अगर 14,000 है तो मैं या तो 14 लगाऊंगा या 28 या हाँ +14, मतलब लॉट्स हाँ बढ़ते जाएंगे, लॉट्स इनटू लॉट्स के मल्टीपल्स में ही खरीद सकते हो तुम। मल्टीपल्स में। हाँ तो तुमने खरीदा, तुमने मिनिमम का लॉट लिया 15,000 फॉर एग्जांपल, और एक शेयर तुम्हारा है 100 रुपीज़ का। अच्छा मैं उल्टा 150, उल्टा समझ रहा है, ये मान 15 शेयर्स का लॉट है, ठीक है, ठीक फिफ्टीन है शेयर्स का मिनिमम का लॉट है और एक शेयर का प्राइस है 100, ठीक है, ठीक है। कितने हुए 1,500। हाँ तो लेकिन हम 15,000 की बात कर रहे हैं ना, तो तो 1,000 का एक शेयर हज़ार का है। एक शेयर है, ठीक है, 1,000 का एक शेयर है और 15 का लॉट है, तो 15,000, 15,000 का मिनिमम का लॉट है। तो मान ले लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद तेरा एक शेयर का प्राइस हो गया 100%, मतलब 1,000 का वो हो गया 2,000, तो तेरे जो 15,000 अच्छा थे वो कितने हो गए, 30,000। 30,000। तो आईपीओ होता किसको है, मैं बता जनरल रहा हूँ, पब्लिक को तो नहीं होता ना, जनरल जनरल पब्लिक जनरल मैंने पब्लिक का ही खरीदी होता है, आईपीओस, बिजनेस लेकिन मैंने खरीदी है खरीदी उसमें, होता पहले। उसमें चांस होता है कि तेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तू बस एप्लीकेशन डाल सकता है कि हाँ मैं तुम्हें 15,000 देता हूँ, तुम आईपीओ मेरे को दे दो 15 शेयर। रेफरल होता है, हाँ लॉटरी सिस्टम की तरह होता है। लॉटरी सिस्टम नहीं, हाँ मतलब ये हाँ प्रोबेबिलिटी लॉटरी होता होता है, है, प्रोबेबिलिटी रेफरल से होता है, मिलता है। तो लॉटरी रेफरल तो हुई, होता है, रेफरल हाँ और क्या होता है। लॉटरी होती है। मैंने कितने 8-10 IPOs में लगाए, मेरे को अभी तक इतनी नहीं मिली एक भी। ये भाभी के दादा लगाते हैं, इसके दादा को आईपीओ आईपीओ मिलती रहती है भाई। देख को एंजल ब्रोकिंग का मैं मिला था और पब्लिक्स इसका का खानदान जोमेटो है का वो, मिला था। उन्हें गिव अवे में सामान मिलता है। सही बात है। अरे मेरे ये को जो पेटीएम तत्वचिंतन का मिला पेटीएम था। जोमेटो सब तो फ्लॉप पेटीएम हुए के, हैं ना। तो पेटीएम को नहीं फ्लॉप हुआ, जोमेटो जोमेटो का अच्छा गया था। जोमेटो का अच्छा गया था, अब वो गिरे, पेटीएम का जोमेटो देखना का अभी मैं नीचे बताता तो गया हूँ, बहुत लेकिन ऊपर जाएगा जरूर। पेटीएम जोमेटो का का। जो इनिशियल आया था वो कुछ आया था 80 से 100 रुपीज़ के बीच में, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी, और उसके बाद वो गया था
100% पे 150 के आसपास, 150 टू 100 के 167 आसपास, उसका ऑल टाइम हाँ हाई ऑल है। टाइम हाई है, तो वो 100% पे गया था जोमेटो, लेकिन आज वो 80 पे चल रहा है, वो अलग बात है। आईपीओ से आईपीओ आगे से बढ़ो, आईपीओ से चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ बस एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जिसके बाद लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग में वो स्टॉक मार्केट में आता है, बस आईपीओ का इतना है। अगर तुम्हें उसमें अप्लाई करना है तो तुम्हें पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट के थ्रू वो होती है, तुम यूट्यूब वगैरह पे देख लेना आईपीओ कैसे लगाते हैं। ठीक तो है, उसके बाद आते हैं, मैं या जो फिर भावी बात को कर डीएम रहा करना, तुम्हें जितनी आईपीओ मिलेगी उसका 10% भावी का। ठीक है, वैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ।